हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा बचत को प्रोत्साहन करने के लिए काफ़ी लंबे समय से चल रही पीपीएफ स्कीम के बारे में। पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है, किसी भी माइनर के नाम ये अकाउंट नहीं खोला जा सकता और ना ही ये अकाउंट जॉइंट में खोला जा सकता है। ये अकाउंट केवल इंडिविजुअल के नाम खोला जा सकता है, एक इंडिविजुअल के नाम एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। यह अकाउंट इस अकाउंट में साल के कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये, अधिकतम इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक जमा करवा सकते हो। ये सारा पैसा इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट प्राप्त है, टैक्स आप इससे छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ब्याज की रेट पहले से फिक्स नहीं होती है। भारत सरकार वर्तमान में हर 3 महीने बाद सभी प्रकार की ब्याज दरों की समीक्षा करती है, उसमें पीपीएफ भी शामिल है। तो पीपीएफ की ब्याज दर कभी घट सकती है, कभी बढ़ सकती है। जो भी तत्कालीन ब्याज दर होगी वो आपके ऊपर, आपके पैसों पर लागू होगी। ये कुल जो पैसा ये अकाउंट चलेगा वो 15 साल तक चलेगा और उसके बाद में भी आप इसको रिन्यूअल कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आगे 5 साल के लिए एक बार में बढ़ेगा और 5-5 साल करके आप इसको कितने ही अनलिमिटेड टाइम तक इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। इसमें रिन्यूअल के भी 2 तरीके हैं, रिन्यूअल विद डिपॉजिट भी हो सकता है, विदाउट डिपॉजिट भी हो सकता है। अगर आप विद डिपॉजिट करते हैं तो ये मैच्योर होने के बाद में, यानी 15 फाइनेंशियल ईयर कम्प्लीट होने के बाद में 1 साल के अंदर अंदर आपको इसमें इसको रिन्यूअल कराना होता है, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जा कर के इसको रिन्यू कराना होता है। अगर आपने 1 साल में इसको रिन्यू नहीं कराया तो फिर ये रिन्यू नहीं होगा और ये विदाउट रिन्यूअल